हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद जैद हाशमी एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स बाय जैद हाशमी। तो क्वेश्चन जिनको आप चैलेंज कर सकते हैं, जी हाँ, जेई मेंस 2020 इस बार का पेपर हुआ जैसा कि आप जान रहे हैं। तो इस बार के शिफ्ट वन में, 2 सितंबर शिफ्ट वन वाले पेपर में हुआ क्या था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, मेनली 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके या तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे या तो किस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.6 cos 6280 t sin 211 इंटू 10 रेज पावर 4 t वोल्ट। ये आपको मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन दे रखा था और आपसे पूछ रहा था कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, मतलब ये जो इक्वेशन एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, इस एक्सप्रेशन का आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना था, जो कि 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो 4 ऑप्शन उन्होंने दिया था। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी आती है, मैक्सिमम वोल्टेज आता है 8 वोल्ट और मिनिमम वोल्टेज आता है आपका 2 वोल्ट। मैक्सिमम आता है 8 वोल्ट और मिनिमम आता है 2 वोल्ट, जो कि आप देख रहे होंगे कि हमारे किसी भी ऑप्शन में जो ऑप्शन आपको दिया गया था एनटीए वालों की तरफ से, उस ऑप्शन में इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन एनटीए वालों ने 4th ऑप्शन लगाया हुआ है। उन्होंने 4th ऑप्शन को क्या बोला है, सही बोला है। 4th ऑप्शन को उन्होंने सही बोला है। अगर 4th ऑप्शन को उन्होंने सही बोला है, लेकिन यहां पर मिसमैच हो रहा है, ये मैक्सिमम वोल्टेज 8 वोल्ट होना चाहिए और मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 वोल्ट होना चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैच नहीं कर रहा है तो बोनस होना चाहिए आपके लिए। तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, है ना। और अगर आपने कोई लॉजिक लगाकर अगर 4th ऑप्शन मारा हुआ है, तब भी वो आपका ऑप्शन क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी वो लोग मान सकते हैं और ऐसा भी हम भी मानते हैं। क्या मानते हैं कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 और 8 वोल्ट, मतलब जो वोल्टेज का जो रेंज होगा वो 2 से लेकर 8 वोल्ट के बीच में ही होगा। तो 2 से लेकर 8 वोल्ट के बीच में होगा, मतलब रेंज आपका 2 से 8 के बीच में होगा। और इन 4 ऑप्शन में अगर आप देखें तो 4 ऑप्शन में 4th ही ऐसा ऑप्शन है जो मिनिमम वैल्यू 5/2 आपको क्या दिख रहा है, मिनिमम वैल्यू 5/2 दे रखा है और 8 दे रखा है मैक्सिमम। तो मिनिमम 5/2 मतलब 2.5 दे रखा है और 8 क्या दे रखा है, मैक्सिमम दे रखा है। तो वो 2.5 आप ले सकते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से कि इसके रेंज में 2.5 आता है 2 और 8 के बीच में। तो 2 और 8 के बीच में अगर 2.5 आता है, तो इस तरीके से आप 5/2 आपका इसका आंसर मार सकते हैं, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता और मेरे साथ और भी टीचर्स जो हैं ये इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के चल रहे हैं कि हम मिनिमम, क्योंकि क्वेश्चन में ही मिनिमम बोल रखा है पहले से, और अगर मिनिमम बोल रखा है तो 2 वोल्ट तो 2 वोल्ट होता है, मिनिमम तो मिनिमम है ना। इस इक्वेशन का, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम तो मिनिमम ही होता है, वो आप रेंज नहीं ले सकते, लेकिन इस तरीके से आप लेंगे तो ठीक है, 2.5 भी हम मान सकते हैं, करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीजें हैं इस क्वेश्चन को, हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन पे आपको बोनस नंबर मिलेंगे। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें थोड़ी सी गलती है, क्या कह रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूव्स अलोंग x एक्सिस विद वेलोसिटी v0। एक चार्ज पार्टिकल है जो v0 वेलोसिटी से x एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रही है। व्हेन इट पासेस थ्रू द ओरिजिन इट एंटर अ रीजन हैविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये पास करता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर जाता है v0 वेलोसिटी से, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लग रहा है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में E इनटू में J कैप व्हिच एक्सटेंड अप टू x = d, मतलब x = d डिस्टेंस तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद ये कह रहा है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द रीजन x > d। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक चार्ज पार्टिकल है जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, और ये v वेलोसिटी से ऐसे x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था, और ये v वेलोसिटी से इस रीजन के अंदर एंटर करता है। एंटर करने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो प्लस चार्ज है q और मास कितना है m, तो इस पर फोर्स लगेगा, जैसे अंदर घुसेगा फोर्स लगना स्टार्ट करेगा।
जैसे इसके पहले अगर चार्ज पार्टिकल था तो कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से मूव कर रहा था, और जैसे अंदर घुसा तो एक फोर्स लगा, और फोर्स लगा तो ये इस तरीके से मुड़ जाएगा, और जैसे ही इस तरीके से मुड़ेगा, मुड़ने के बाद ये पैराबोलिक पाथ पे चलेगा। इसका इक्वेशन आप भी जानते हैं और हर क्लास में पढ़ाया भी जाता है हर इंस्टीट्यूट में कि इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगा जब चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, आपसे पूछा था जब ये इस फील्ड से बाहर निकलता है, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन डी, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलता है तो इसका पाथ क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही बाहर निकलेगा वैसे ही फोर्स जीरो हो जाएगा लगना इस पर, और जिस वेलोसिटी से ये निकल रहा था इसका कुछ वाई वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट होगा, और जैसे ही निकलेगा ये स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करने लगेगा विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, जिस स्पीड से यहां पर आया था। तो इसकी जो पाथ होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। तो ऑप्शन में बोल क्या रहा है, ऑप्शन में चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखें फिर से क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v नॉट। लेकिन और लास्ट में देखे अगर आप, तो लिख रहा है कि इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। यही थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कि अगर प्लस चार्ज बोल रहा है मूव कर रहा है तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन उसने क्यों बोला, और अगर इलेक्ट्रॉन उन्होंने बोला है तो इलेक्ट्रॉन अगर बोला है तो पाथ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कैसा होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से पाथ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ऑप्शन में उन्होंने दे रखा है प्लस क्यू, ऑप्शन में क्यू के फॉर्म में आंसर उन्होंने दे रखा है, और अगर ऑप्शन में क्यू के फॉर्म में उन्होंने आंसर दे रखा है तो अगर इस पाथ को आप कंसिडर करेंगे, प्लस चार्ज को अगर कंसिडर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपका ऑप्शन आने वाला है सेकंड नंबर का ऑप्शन आपके आने वाला है। वो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, y इज इक्वल टू क्यू कैपिटल ई स्मॉल डी अपॉन में एम वी नॉट का स्क्वायर डी बाई टू माइनस में एक्स, इफ यू कंसीडर पॉजिटिव चार्ज, क्यू एज अ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आप अगर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा, बस यहां माइनस आ जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस ऑफ ई ई डी अपॉन में एम वी नॉट का स्क्वायर डी बाय टू माइनस एक्स, बस माइनस प्लस का अंतर आएगा और क्यू के जगह पे ई रहेगा। अब ऑप्शन में आपके कहीं भी ई नहीं दे रखा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वो क्यू के फॉर्म में ही दे रखा है, हाँ, और शुरुआत में बोल रखा है चार्ज मूव कर रहा है, लास्ट में आपका इलेक्ट्रॉन का पाथ पूछ रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस क्वेश्चन को आपको बोनस मिलना चाहिए, उनसे थोड़ी सी गलती हो गई या हो सकता है मिसप्रिंट रहा हो, है ना। तो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ने पूछा है, जो बच्चा प्लस क्यू चार्ज थोड़ा सा दिमाग अगर लगाया होगा, थोड़ा सा बुद्धि अगर चलाया होगा कि आंसर में अगर क्यू ही लिखा है और शुरुआत में भी मास है में चार्ज क्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब चार्ज की ही बात कर रहा है, तो वो ऑप्शन नंबर टू मार्क आया होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर टू के अलावा कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। अगर हम ये माने तो, अगर इलेक्ट्रॉन भी तुम मान के चल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन मान के चल रहे हो तो ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा डी बाय टू माइनस एक्स, तो आंसर तो आपका दो ही होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन मानेंगे तो माइनस में होना चाहिए, क्यू की जगह पे ई होना चाहिए, अगर पॉजिटिव चार्ज मानेंगे तो क्यू होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।